hello it class this is your social studies and today i'm going to start your new chapter and as you can see on your screen this is your new book of social science social studies culture and society now open it right now as you can see your chapter number 15 is agriculture major crops and the case studies तो इसमें हम क्या रीड करेंगे कि जो हमारे कल्टिवेटेड लैंड्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं में बिकॉज उनके वेरियस इकोनॉमिक एंड फ़िजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं ताकि जो फार्मर है वो अपनी क्वालिटी ऑफ सीड्स को क्या कर सके सेलेक्ट कर सके और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी ग्रो कर सके वो अपनी क्रॉप्स uh, को फाइन नाउ दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर ग्रुप्स हैं जिसके फर्स्ट वन इज योर फूड क्रॉप्स जो खाने में यूज़ किया जाता है कमर्शियल में होता है जो हमारा बेचने में भी यूज होता है फाइबर में हमारे जैसे आप भी नो वेरी वेल हमारा कॉटन जूट एंड सिल्क हमारा फाइबर में यूज़ होता है कपड़े के यूज़ में एंड बीवरेज हमारी क्रॉप्स होती है जैसे टी हो गया कॉफी हो गया जो पीने के लिए हमें ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं हम एंड फर्स्ट वन इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन फूड क्रॉप्स नाओ यू हैव दीट वीट हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट सैरल क्रॉप है जिसको हम ज्यादातर लेते हैं ठीक है और ये मेजर फूड क्रॉप है एंड इट हैज़ हाई विटामिन होता है जिसके अंदर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इट इज़ द मेन प्रोडक्ट होता है अपना मेन लैटिट्यूड एरिया का क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये एक्सटेंसिव कल्टिवेशन किया जाता है एंड इट इज कैटेगराइज एज इसको बोला जाता है रबी क्रॉप ओके नाओ Uh, इसमें हमें मालूम है कि कुछ मॉडरेट टेम्परेचर भी इसके लिए होना चाहिए बहुत ठंडा मौसम भी चाहिए इसके लिए एंड इट कैन थ्राइव द बेस्ट जो टेम्परेचर इसके लिए होता है 17 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर और लोमी सॉयल में ये बहुत अच्छा uh, इसके ऊँचे ऊँचे पेट टॉलर एंड थिकर दैन द राइस से होते हैं और व्हीट क्रॉप ऑल्सो रिक्वायर कुछ अमाउंट ऑफ उसको क्या चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए अदरवाइज आपकी फसल को ये बहुत ज्यादा क्या डैमेज करने वाले होते हैं फाइन नाउ नेक्स्ट वन इज योर राइस राइस हमारा क्या होता है चावल इट इज द स्टेपल फूड ऑफ मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसके लिए जरूर खाती है राइस को जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ज्यादातर इसको मॉइस्चर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हाई टेम्परेचर अबव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस से हाई होना चाहिए हैवी रेनफॉल अबाउट हंड्रेड सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा भी इसके लिए चलेगी क्ले सॉइल होनी चाहिए इसके लिए एलिवियल सोइल होना चाहिए जो इसकी क्रॉप के लिए बेहद ही जरूरी है ओके एंड द मेन स्टेट से आपको दिख रहा है पंजाब उत्तर प्रदेश यहाँ पर ज़्यादातर ये मिलती है जिसको एक खरीफ क्रॉप बोला जाता है हमारे इंडिया में ओके नेक्स्ट वन इज योर मेज मेज इज कंसिडर्ड एज एन अमेरिकन क्रॉप बोला जाता है इंडिया में इसको फर्स्ट ग्रोन हुई थी ये मेक्सिको में दस हज़ार साल पहले एंड आज इसको सेपल फूड में भी यूज किया जा रहा है अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में ओके नाउ नेक्स्ट इज मिलट्स मिलट्स हमारा लाइक like हमारा क्या होता है जवार को ही हम मिलट्स की बोलते हैं जैसे बाजरा हो गया रागी हो गया दे आर ओनली ऑल्सो ग्रोन इन आवर इंडिया नाइजीरिया चाइना एंड नाइगर दीज आर कोर्स इनको बोला जाता है कोर्स ग्रीन ऑल्सो फाइन एंड लेस फर्टीलाइ फर्टाइल में भी ये ग्रो कर सकती है सैंडी सॉइल होनी चाहिए लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर ऑल्सो नेक्स्ट वन इज आवर पल्सिस एंड सोयाबींस तो ये हमारे बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे लिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइक हमारा ग्राम बीन्स पीज ये सभी इसी में आती हैं कमर्शियल क्रॉप्स में हमारा ऑयल सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑयल सीड्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऑबटेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स दे आर जनरली फैटी ऑयल्स होते हैं एंड सच प्लांट्स आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आएंगे ये और इंडिया एक चीफ प्रोड्यूसर है एक्सपोर्टर भी है ऑयल सीड्स का बिकॉज इसमें ग्राउंडनट हाइस्ट होता है बोथ इजिबल ऑयल्स एंड द ऑयल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर मैन्यूफैक्चरिंग सोप्स ग्रीसेज लुब्रिकेंट में भी इनका यूज़ बहुत होता है लाइक हमारा सरसों भी यहाँ पर रेबी क्रॉप में आएगा ओके एंड नेक्स्ट वन इज आवर फाइबर क्रॉप्स कॉटन हो गया जूट हो गया इनके लिए हमारे क्या चाहिए जो सॉइल है ग्रोइंग क्रॉप वेयर है सिल्क फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकून से मिलता है हमारे सिल्क वॉर्म के, जो फीड किया जाता है किसके ऊपर मलबरी लीव्स पे और जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स जो हमारे प्रोडक्शन सिल्क फाइबर के लिए यूज करते हैं उनको पालन पालना होता है ना उनको बिकॉज उसी से तो हमें सिल्क मिलने वाला आगे जाके तो उनके इस प्रोसेस को उनके पालने के इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या सेवरी कल्चर एंड कॉटन एंड जूट फाइबर आर वाइडली ग्रोन इन द वर्ल्ड फर्स्ट वन इज योर कॉटन जूट जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर होता है आफ्टर द कॉटन जूट क्योंकि कॉटन जूट को भी क्या बोला जाता है ब्राउन पेपर ऑफ द होल ट्रेड बोला जाता है ओके नाउ नेक्स्ट वन ये जो बीवरेज में हमारा टी आता है टी बहुत ही ज्यादातर हमारे लोग टी ऐसा बहुत कम होगा जो टी नहीं लेते हैं चाय है ना चाय के जैसे बागवान होते हैं अब अबेंट बहुत ज्यादा एरिया में इकट्ठे इसके ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जिसके लीव्स को क्वालिटी और उसके फ्लेवर के अकॉर्डिंगली इसको जाना जाता है और इसको मेडिकल पर्पस में भी बहुत यूज किया जाता है इसके लीव्स को भी आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये चाय की पत्तियों को चुन चुन के ले रही है हाँ नाउ हमारा जो टी है रिक्वायर्स वॉर्म टेम्परेचर चाहिए इसकी कल्टिवेशन के लिए एंड द लोमी सॉइल इसके लिए सुटेबल है फॉर दिस क्रॉप द टॉप क्वालिटी ऑफ द टी इज ग्रोन ऑन द हिल के स्लोब्स दार्जिलिंग में ज़्यादातर ये वहाँ पर यूज़ होती है एंड ग्रीन टी बाय स्टीमिंग द प्रोसेस ऑफ एंड उलोंग टी जो है एक इज पार्शली फर्मेंटेड फाइन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉफी कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादातर लाइक like हमारे कुछ लोग टी लेते हैं तो कुछ लोग उनके कंपैरिजन में कॉफ़ी लेते हैं इट नीड्स एन एवरेज टेम्परेचर चाहिए इसको अबाउट ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस और इसकी रेनफॉल की रेंज कितनी चाहिए? 150 होनी चाहिए वन फिफ्टी से टू फिफ्टी सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड ब्राज़ील हमारा जो है इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एक्सपोर्टर भी है कॉफ़ी का हमारे वर्ल्ड में एंड कोकोई क्या आपको दिख रहा है कोकोई कोकोआ प्लांट क्या होता है इट इज़ ओपन फ्रॉम अ ट्रॉपिकल साउथ अमेरिकन ट्री जिसको कोकोआ खो बोला जाता है और इसके सीड्स है उनको तोड़ के उसमें से फैटी सब्सटेंस निकाला जाता है जो प्रेजेंट उसको अंदर वो रिमूव इट इज़ रिमूवड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पाउडर निकालने के लिए उसको वहाँ से रिमूव करके उसमें से पाउडर यूज़ किया जाता है जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है चॉकलेट्स को बनाने के लिए इसी से क्या होता है चॉकलेट बनती है हमारी ओके okay? नाउ जैसे शुगर केन आपके यूपी साइड में आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे और दिस क्रॉप इज ग्रोन एज अ प्लांटेशन इट रिक्वायर्स मोर देन अयर टू राइपन एक सारा साल उसको चाहिए होता है एक साल से भी ज्यादा इसको पूरा पकने के लिए एंड इट ग्रोज वेल फ्रॉम द कटिंग ऑफ हेल्दी शुगर केन स्टेम को काट के उसकी जड़ों को बहुत मजबूती से और दी जा सकती है एंड फॉर गेटिंग मोर देन वन क्रॉप दिस क्रॉपिंग इज कॉल्ड इसको रेटून क्रॉपिंग बोला जाता है राइट ना हो यू हैव द टोबैको टोबैको क्या होते हैं तम्बाकू की इट इज द नेटिव किस पे है नेटिव साउथ अमेरिका में इट इज कल्टिवेटेड वाइड वर्ल्ड वाइड नावा डेज अब तो ये ज्यादातर हर जगह पर ज्यादातर यूज किया जा रहा है बोआ जा रहा है ओके ना हो अदर इंपोर्टेंट हमारे प्लांटेशन क्रॉप कौन रह गई है फर्स्ट वन इज जिसके लिए इक्विटोरियल क्रॉप है हमारी, जो ह्यूमिड चाहिए इसको क्लाइमेट और इसको थोड़ी सी नमी भी इसके लिए बहुत जरूरी है एज यू कैन सी योर चैप्टर नंबर फिफ्टीन इज एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स एंड की स्टडीज तो इसमें हम क्या रीड करेंगे कि जो हमारे कल्टिवेटेड लैंड्स होती हैं वो लिमिटेड होती है limited होती होल एरिया में बिकॉज उनके वेरियस इकोनॉमिक एंड फिजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं ताकि जो फार्मर है वो अपनी क्वालिटी ऑफ सीड्स को क्या कर सके सेलेक्ट कर सके और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी ग्रो कर सके वो अपनी क्रॉप्स uh, को फाइन नाउ दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर ग्रुप्स हैं जिसके फर्स्ट वन इज योर फूड क्रॉप्स जो खाने में यूज़ किया जाता है कमर्शियल में होता है जो हमारा बेचने में भी यूज़ होता है फाइबर में हमारे जैसे आप भी नो वेरी वेल हमारा कॉटन जूट एंड सिल्क हमारा फाइबर में यूज़ होता है कपड़े के यूज़ में एंड बीवरेज हमारी क्रॉप्स होती हैं जैसे टी हो गया कॉफी हो गया जो पीने के लिए हमें ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं हम एंड फर्स्ट वन इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन फूड क्रॉप्स नाव यू हैव द वीट वीट हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट सैरल क्रॉप है जिसको हम ज़्यादातर लेते हैं ठीक है और ये मेजर फूड क्रॉप है एंड इट हैज़ हाई विटामिन होता है जिसके अंदर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इट इज़ द मेन प्रोडक्ट होता है अपना मेन लैटिट्यूड एरिया का क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये एक्सटेंसिव कल्टिवेशन किया जाता है एंड इट इज कैटेगराइज एज इसको बोला जाता है रबी क्रॉप ओके नाओ Uh, इसमें हमें मालूम है कि कुछ मॉडरेट टेम्परेचर भी इसके लिए होना चाहिए बहुत ठंडा मौसम भी चाहिए इसके लिए एंड इट कैन थ्राइव द बेस्ट जो टेम्परेचर इसके लिए होता है 17 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर और लोमी सॉयल में ये बहुत अच्छा uh, इसके ऊँचे ऊँचे पेड़ टॉलर एंड थिकर देन द राइस प्लांट से होते हैं और वीट क्रॉप ऑल्सो रिक्वायर कुछ अमाउंट uh, ऑफ उसको क्या चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और इन इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए अदरवाइज आपकी फ़सल को ये बहुत ज़्यादा क्या डैमेज करने वाले होते हैं फाइन नाउ उसके लिए क्या किया जाता है लोगों को शिक्षित किया जाता है ओके नाउ सम फार्मर्स जो हैं डेयरी कैटल भी रखते हैं ताकि उनकी इंक्रीमेंट हो सके उनके इनकम में तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें भी बहुत सारे करेक्टर्स थे वो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है और मैं बीच में पीछे से सा आपको सारा क्लियर करती आ रही हूँ ठीक है तो आप इनको भी रीड कर लेंगे और हमारे बहुत सारे डैम्स वगैरह और मल्टीपल क्रॉपिंग भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो आ, क्वालिटी है हमारी उनकी बेस्ट टू बेस्ट हमें मिल सके और मेन फीचर्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के क्या हैं ये भी आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो डिपेंड करता है मॉनसून पे और कितना उसका आ, कितने लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं और एग्रीकल्चर प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा रोल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना की मात्रा हमें मिल सके और हमारे इंडिया की दो मेजर क्रॉप सीजन्स होते हैं खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड हेयर द यूएस ए इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हमारे वर्ल्ड में है जो एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है क्या कर रही है डिफरेंट अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं जो जॉब की तलाश में है कुछ वेल्थ की नौकरी की तलाश में है पैसा कमाने के लिए तो हमने क्या किया वी हैव सेलेक्टेड अ फॉर्म इन द मिड मिडवेस्ट रीजन में अबाउट फोर हंड्रेड सेक्टर्स इन एरिया जो क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी इसमें कॉर्न करें कॉर्न लगाते हैं अगर सोयाबीन लगाते हैं वीट एंड शुगर बीट लगाते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके इस चीज़ का ताकि अगर वो इस काम को कर रहे हैं तो उनको दी बेस्ट रिजल्ट मिल सके न अर्न मनी टू मेनटेन अड ऑफ लिविंग क्योंकि अकॉर्डिंगली वो, जि, वो क्या करेंगे अगर, जिसके, किया, किया, तो आप जिसके अकॉर्डिंगली अपनी जि, जितनी टेक्नोलॉजी जितनी मेहनत आप उस पर लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको आपका रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा नाउ यू हैव द रैप वर्ड विच यू हैव टू Read from your book. And from this page, you have to just complete question number A, B, C, D, and your hot answer 1 and 2. Okay, class?